सारे कर लो। मैं तहे दिल से कोच का भी धन्यवाद करता हूँ और मेरी बिटिया का आगे भी, मान लिया बहुत भविष्य में ऊंचा नाम करेगी, और इसके इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ कोच का भी, तहे दिल से पूरी टीम का, और धन्यवाद। मैं बस स्टैंड से विजय जुलूस से निकाला गया था और तहे दिल से पूरी पब्लिक का, पूरी भिवानी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमें बहुत गर्व की बात है, हमारे भिवानी जिले का नाम रोशन किया है पूरे प्रदेश का, आगे भी मान लिया बहुत बहुत वो कोशिश करेंगे भी, मान लिया हमारी बिटिया इंटरनेशनल खेल ले। मेरा नाम रिंकू है, मैं बेसबॉल खेलने के लिए गई थी 21 तारीख को बैंगलोर, 27 से 28 तारीख लगे हमारे गेम रहे थे, उसमें हमारी टीम का गोल्ड मेडल था। हमारे 6 मैच हुए थे, उनमें से फर्स्ट पोजिशन हमारी ही रही थी, और जो मेरा गेम गोल्ड आया उसके सिर्फ पात्र मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली, मेरे बुजुर्ग और मेरे फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो ये बच्ची है रिंकू फ्रीतू, ये बेसबॉल में गोल्ड मेडल लेके ये बेंगलोर खेलने गई थी, तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारी बच्चियाँ जो छोटी काशी वैसे भी हमारे गेमों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो इस बच्ची ने हमारे यहाँ का मान सम्मान बढ़ाया है, यहाँ के एरिया का मान सम्मान बढ़ाया है, और इस परिवार को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देने आई हूँ, और भविष्य में भी यही आशा करूँगी ये बच्ची इसी तरह परिवार का नाम रोशन करेगी और आगे बहुत आगे तक जाएगी, ये मेरी शुभकामनाएं। क्या लग रहा है आने वाले समय में, पहले बॉक्सिंग में भी मानी को मिनी क्यूबा कहा जाता था, लेकिन अब हर खेल में तीरंदाजी हो चाहे कोई भी गेम हो, तो किस प्रकार देख रहे हैं भविष्य? यहाँ के भिवानी के जो कोच है वो सबसे पहले तो वो है बधाई के पात्र, जो इतने अच्छे अच्छे वो अपने शिष्य तैयार करें। ये बच्ची बॉक्सिंग में भी मेडल लेके आई थी, ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी, और आज ये बेसबॉल में मेडल लेके आई है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि एक बच्ची कई खेलों में गेम में पार्टिसिपेट करी है और हर एक में कोई ना कोई मेडल ला रही है। और मैंने ये देखा है कि लड़कियाँ हर क्षेत्र में बहुत आगे हैं, तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनके अंदर जो हुनर है, जो काबिलियत है, उसको समझे, उनको देखे और हर क्षेत्र में बच्चियों को आगे जाने का मौका दे, क्योंकि लड़कियां आज किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। और मैं इस परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं जो बच्ची की रुचि के अनुसार इसको आगे बढ़ने में मदद कर रही है।